कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर वन, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर टू, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर तीन, मास्क पहने और उसे डेली बदलें। नंबर चार, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर पांच, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। Students are already here. Welcome to this session again. NEET Sprint 2020. We are starting with biotechnology, the complete unit. Right, guys? मैंने पहले भी आपको बहुत बार biotechnology पढ़ाया. आज मैं फिर से आपको इसके ऊपर based question कराने वाली हूँ. And guys, you know what? I'm telling you one huge surprise. बता दो surprise क्या है? Yes. Should I tell you guys? Because you know, whenever ma'am comes on the screen, she always come up with a surprise for you people, right? Yes. यही चीज. Okay. Since सब कह रहे कि ma'am बता दो surprise क्या है. So guys, अब I'm bringing up a new series for you. That is a complete 12th class biology series. Yes. All the chapters covered by me. 12th class series for board exam. Right, guys? Yes. मेंटी भी पक्का कराएंगे उसमें, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल. मेरे को बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जेनेटिक्स भी करा दो, मैम ये भी करा दो, वो भी करा दो. सो आई हैव स्टार्टेड विद द एंटायर 12th क्लास बायोलॉजी फर्स्ट. राइट गाइज, सो दिस इज अ फर्स्ट अनाउंसमेंट इन द मॉर्निंग. यस, सच्ची में यस. तो गाइज, इस खुशखबरी पे एक स्माइल तो बनता है ना गाइज, एक स्माइल तो बनता है. राइट गाइज, यस. तो खुशी कह रही है कि मैम सही टाइम पे आपने मेरे को सही सरप्राइज दिया है, बिकॉज आई नो माई स्टूडेंट्स वॉन्ट मी मोर. राइट, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई विल बी टेकिंग ऑल द चैप्टर्स, डू नॉट वरी नाउ. एक स्माइल तो बनती है गाइज इन द चैट बॉक्स. सिंस मॉर्निंग है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो प्यारी प्यारी स्माइल भी चाहिए मुझे. राइट, यस. So guys, tell others to join the session now, because we are starting the most amazing session for today, that is NEET 2020 biology biotechnology. Super ready, let us start. And guys, सबसे पहले तो जो कल तुमने प्यार बिखेरा है ना हम पे, कल वाले मेंटी क्विज में कौन कौन था? कल वाले मेंटी क्विज में मुझे पता है वैभव तो था. यस, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया. कल रात में जो हमने मेंटी क्विज किया था वो अमेजिंग था गाइस, अमेजिंग. इतना प्यार तुम लोगों ने बरसाया है ना, आई एम लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, बिकॉज देर आर लॉट मेनी सरप्राइजेस कमिंग फॉर यू. यस, लॉट मेनी सरप्राइजेस कमिंग फॉर यू गाइज. ठीक है, हर दिन आपको पता है एक नया सरप्राइज हम लेकर आते हैं, तो उस सरप्राइज के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है. राइट, यस. उसके बाद गाइस, नाउ यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. अगर आप अपडेट्स चाहते हैं हर चीज के, कि कौन सा मॉक टेस्ट का क्या सिलेबस है, कब मॉक टेस्ट होगा, कब उसका पूरा का पूरा गाइस डिस्कशन होगा, एवरीथिंग विल बी गिवन इन दिस टेलीग्राम ग्रुप. सो स्टे कनेक्टेड विद अस, हमारे दिल से कनेक्टेड रहो. राइट, उसके बाद गाइज, यस, हमारी ऐप भी है, वेदांतु ऐप. दिस इज अमेजिंग अमेजिंग ऐप, बहुत अमेजिंग ऐप है, जहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती है, क्विजेज होती है, लीडर बोर्ड होता है. मैंने अभी अभी जस्ट अपनी हील्स उतार दी है. अपन देसी है, जूते वाले लोग हैं, आज हील्स पहन के आना पड़ा क्योंकि कहीं जाना था, बट अपन देसी है बिल्कुल. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, यस, फॉर नीट 2020. रेडी, हाउस इज जोश, हाउ इज जोश इन द चैट बॉक्स. मुझे फटाफट से जोश चाहिए, जैसे कल रात में था यार, दैट वॉज सुपर जोश. यस,
चलिए शुरू करते हैं, चलो आप और हम आज का शुरू करते हैं केबीसी। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति, आज हम करेंगे कौन बनेगा करोड़पत्नी। ठीक है, पति बहुत हो गया, पत्नी से स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, चलो यो गाइस, नाउ द क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन्स, द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद एसिटोकार्मीन, एनिलीन ब्लू, इथिडियम ब्रोमाइड, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। यस, व्हाट्स द आंसर? ऑलरेडी चैट बॉक्स यार तुम लोगों ने भर दिया है, द चैट बॉक्स इज ऑलरेडी टू मच फ्लडेड विद द आंसर, एंड यू नो देयर इज नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हु हैज गिवन मी द रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इथिडियम ब्रोमाइड। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इथिडियम ब्रोमाइड। सो लेट अस नो मोर अबाउट द इथिडियम ब्रोमाइड। ओके, क्यों ETBR यूज करते हैं? सबसे पहले इसको ETBR भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, दूसरी चीज, दिस डाई इज कार्सिनोजेनिक, मतलब कि कैंसर कॉजिंग डाई होती है, सो यू शुड नेवर टच योर हैंड्स डायरेक्टली विद दिस डाई। ठीक है, तो प्लस फोर सारे बच्चों को, यस प्लस फोर टू ऑल द स्टूडेंट, दिस इज कार्सिनोजेनिक। द थर्ड पॉइंट अबाउट ETBR इज दिस इज ऑरेंजिश इन कलर, ऑरेंजिश इन कलर, और इसे देखने के लिए यू हैव टू यूज यूवी रेज। क्या यूज करनी होती है आपको? यूवी रेज। ठीक है, ये डाई जो है तभी चमकेगी जब आप यूवी रेज इससे पास करेंगे। ठीक है, आपने यूवी रेज पास की, ये डाई चमकी, आपको पता लग गया आपका डीएनए स्ट्रैंड यहां पे है। ठीक है, सो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट हियर इज दैट ETBR इज कार्सिनोजेनिक एंड दिस इज विजिबल ओनली इन यूवी रेज, दिस इज विजिबल ओनली इन यूवी रेज। ठीक है गाइस, नोट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक्स, फटाफट से नोट इट। चमका, सचिन कह रहे मैम चमका, बेटा भावनी ये सेशन बहुत बहुत इजी सेशन है तो हम जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाय अभिलाष, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, रेडी गाइस? चलो, प्लस फोर के लिए फिर से जंग शुरू हो चुकी है। अ जीन हूज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, यस वेक्टर प्लाज्मिड स्ट्रक्चरल जीन सेलेक्टेबल मार्कर। यस, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए आप क्या करते हैं? सिलेक्शन के लिए व्हाट डू यू यूज? द ऑसम ट्रिक इज सिलेक्शन मुझे करना है तो इनमें से मैं क्या यूज करूं सिलेक्शन के लिए? मेरे को ट्रिक पता लग गई, क्योंकि सिलेक्शन में आता है सेलेक्टेबल, राइट? सो आई विल बी यूजिंग सेलेक्टेबल मार्कर्स। प्लस फोर टू एवरीवन, प्लस फोर टू एवरीवन, सुपर करेक्ट। तो अगर हम सेलेक्टेबल मार्कर्स देखें तो हमारी एनसीईआरटी दो तरह के सेलेक्टेबल मार्कर्स लिखती है। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, दैट यू सी इन केस ऑफ PBR 322। ठीक है, एंड द सेकेंड इज क्रोमोजेनिक एंजाइम, क्रोमो मीन्स कलर, ऐसे एंजाइम्स जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, क्रोमोजेनिक एंजाइम। यहां पे हमने कौन सा यूज किया था? बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो लैक ऑपेरॉन में भी हमने पढ़ा था, एंड दिस इज प्रोड्यूस बाय लैक जेड जीन। पढ़ा था लैक ऑपेरॉन में, सबने पढ़ा था लैक ऑपेरॉन में, यस बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कौन प्लस एट पे चल रहा है? खुशबू प्लस एट, वेरी गुड खुशबू। और कौन सा प्लस एट पे? पुलानी, वेरी गुड, यस। देन चंदा, यस। और कौन है प्लस एट पे? चेष्टा, नीतू, सूर्य, अंकित, खुशी वार्षने, यस चार्मी, वैभव, प्रियंका, और अब बाढ़ आ चुकी है, मैं नहीं पढ़ पा रही, सुपर सॉरी स्पीड पे चल रहा है, यस ओके नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड एज। देखो बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सिर्फ आधा क्वेश्चन जो बच्चा पढ़ेगा वो सब गलत आंसर देंगे। आई एम टेलिंग यू, जो ये क्वेश्चन सिर्फ आधा पढ़ेगा वो सब बच्चे गलत आंसर देंगे, और मुझे लग भी रहा है बच्चे यही कर रहे हैं,
Downstream processing, absolutely. The process of purification and separation is called as downstream processing. बिल्कुल सही. अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैं बता देती हूँ तुम्हें. प्लस 12 हो चुका है स्कोर बच्चों का. बहुत ही उमदा परफॉर्म किया है. यस, एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ठीक है गाइस, ये बहुत जरूरी है. जब एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट होता है, जब आप एक्सप्रेस करते हो एक प्रोडक्ट को, तो उसे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं. जब आप सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो उसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं. सो गाइस, ये ऑलरेडी क्वेश्चन नीट में आ चुका है. सो प्लस 12 के साथ फटाफट से नोट दिस इन योर नोटबुक्स. फटाफट से आज मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूं जो नीट के लिए अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है. अल्टीमेट इंपॉर्टेंट, राइट प्रभात? प्लस 12 एवरीवन. प्लस 12, हाय मोहम्मद केफ. प्लस 12 वाले कौन है? साइली. साइली माने सयू, राइट? सयू, सयू मेरे बैच में, इससे मुझे पता लग गया. खुशबू, चिंटू, सनम, लखन, अभिलाष, यस, वी हैव सानू. यस, बहुत सारे बच्चे. मोनू भी है, बहुत सारे बच्चे. सानू, मोनू सब है हमारे पास. बिल्कुल सही. नेक्स्ट, यस, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर. क्यों ये बायोरिएक्टर बनाया गया है? प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, एंश्योरिंग एनएरोबिक कंडीशन इन द कल्चर्ड वेसल. यस गाइस, खुशी, वेरी गुड. प्रियंका, रिंकू, मेधा, गोल हंटर, चार्मी, यस, ध्रुव, महक, चंदन, गौतमी, वेरी गुड. नेहा चौधरी, एब्सोल्युटली स्टनिंग. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. बिल्कुल सही. हमारे पास दो तरह के बायोरिएक्टर होते हैं. कितने तरह के होते हैं? दो तरह के. एक जो वो जो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह दिखता है, वॉशिंग मशीन सबने देखी होगी घर पे, कपड़े धोने वाली मशीन. और दूसरा वाला जो है, जो स्पार्जर्ड होता है. ठीक है, मैं तो इसको इसी तरीके से बच्चों को याद कराती हूँ कि अगर वॉशिंग मशीन तुमने देखी है, तो बिल्कुल वैसा ही आपका ये होता है स्टर टैंकर. बीच में वो चक्की एजिटेटर होता है, इसमें भी एजिटेटर है जो न्यूट्रिशन अवेलेबल करेगा. किसके लिए? बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए. एट द सेम टाइम ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगा. ठीक है, और स्पार्जर वाला मैं कहती हूँ छन्नी होती है. छन्नी क्या होती है? यस, छन्नी. छन्नी के अंदर छेद होते हैं, राइट? दिस इज सीव. इसमें बहुत सारे होल्स हैं. तो व्हेनेवर एयर पासेस थ्रू दिस छन्नी, द एयर इज ब्रोकन इनटू बबल्स एंड दीज बबल्स रीचेस टू द बॉटम लेयर ऑफ द बायोरिएक्टर. सो देयरफॉर एवरी बैक्टीरिया इज एबल टू रिसीव प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, बिल्कुल आटा छन्ना एक ही. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. दैट्स इट. तो याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है? वॉशिंग मशीन ते छन्नी. ठीक है, सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर, एक है वॉशिंग मशीन और दूसरी क्या है? छन्नी. छन्नी का नाम है स्पार्जर, वॉशिंग मशीन का नाम है सिंपल स्टर टैंकर. ठीक है, तो ऐसे रिलेट करोगे ना मेरे चीजों को, तो आपके दिमाग में आज ही फिट हो जाएगा. यू डोंट हैव टू इवन स्टडी, आज ही फिट होके जाना है. बिल्कुल ठीक है. यस, प्लस 16 किस किस के हो गए? प्लस 16, थैंक यू श्री. यस, प्लस 16 किसके? यासीन, गोल हंटर, यस, वी हैव नीतू, चंदा, गौतमी, खुशी. वी अब बहुत तेज चल रहा है चैट बॉक्स, मेरे को थोड़ा टाइम दो पढ़ने के लिए. रिंकू, चार्मी, श्रेया, स्मिता. अब देखो बेटा, बस मैम की आंखें इतनी हैं अभी. मैम थोड़ी बुढ़िया हो रही है, तो मैम इतना नहीं कर पा रही. स्मार्ट स्टूडेंट, यस, एब्सोल्युटली. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using eco-R1, tag polymerase, polymerase 3 ligase. Yes, chipkane ka kaam kaun karta hai? That is a question. Chipkane ka kaam kaun karta hai guys? Who does the pasting work here? Who does the pasting work here? DNA, ligase. Now, ye question to easy tha. This question was easy. Now comes the neat GG ma'am question. Yes, guys.
नाउ वी आर कमिंग टू जी जी मैम क्वेश्चन. इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी आज सेशन से बाहर, ठीक है? यस, जी जी मैम क्वेश्चन के लिए तैयार तैयार तैयार. तो अभी प्लस 20 पे पहुंच चुका है गेम. यस, अब प्लस 24 पे जाएगा अगर जी जी मैम का क्वेश्चन आपने सही दिया तो. ठीक है, लेट स्टार्ट विद जी जी मैम क्वेश्चन. क्वेश्चन, लाइगेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ In the formation of which bond? First, hydrogen phosphoester. Third, phosphodiester. Fourth, glycosidic. Chalo, answers in the chat box. What's your answer? 1, 2, 3, 4. Okay, हमें सबसे पहला गोल हंटर ने 3 बोला, नीतू ने 3 बोला, मोहम्मद कैफ ने 3 बोला, वी हैव आई एम जस्ट ट्राइंग, प्रभात ने 3 बोला, मेरे को बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है, अंकित ने 3 बोला, गर्मा भी है चैट बॉक्स में, चिंटू ने 3 बोला. यस, द रियल आगे मेरे को नहीं पता, उसने भी 3 बोला. यस गाइस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. इट फॉर्म्स फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. तो जिस बच्चे ने ये आंसर दिया है उसका स्कोर प्लस 24 जिसका है, वो चैट बॉक्स में फटाफट से अपना नाम लिखो. यासीन 24, चार्मी 24, यस बिल्कुल सही, चेष्टा 24, कार्तिक 24, एब्सोल्युटली स्टनिंग स्टनिंग स्टनिंग. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट नहीं किया है, और जिन्होंने गलत किया है कोई नहीं, आज गलत करेंगे बट नीट के पेपर में फोड़ के आएंगे, बट नीट के पेपर में फोड़ के आएंगे. आज गलत है तो क्या हुआ, नीट तो अभी हमारी मुट्ठी में है, नीट तो मुट्ठी में है ना भाई. यस अंकित, एब्सोल्युटली भरत, उज्ज्वल उज्ज्वल उज्ज्वल. मैं एक बात बताती हूँ उज्ज्वल रॉय के बारे में. मैं फोटोसिंथेसिस का जब मेरा वन शॉट वीडियो आया था, आई वॉज इन द चैट बॉक्स. यस, मैं तुम लोगों के साथ ही थी चैट बॉक्स में. तो उज्ज्वल बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट थे उज्ज्वल के फोटोसिंथेसिस के. सो उज्ज्वल, आज मैं आपको यहाँ पे अपने सेशन में बोलना चाहती हूँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. मैंने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बच्चे के नहीं देखे हैं. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू उज्ज्वल, एंड आई होप कि आप बहुत आगे जाएं. यस yes. तो आप ये मत सोचो कि हम यूट्यूब पे हैं, सो आई डोंट नो यू पीपल, नेवर थिंक दैट. सी गाइज, आई एम ऑलवेज ऑन द चैनल एंड आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट व्हाट आर यू अप टू. वरना उस चैट बॉक्स में उस दिन बेटा 300 बच्चे थे, आई कुड हैव यू नो, जरूरी नहीं है, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा, बट आई नो. जैसे वैभव का मैं बताती हूँ, वैभव हैज गॉट द 16th रैंक इन यस्टरडेज मेंटी, राइट वैभव? सो आई नो यू गाइस, आई नो चार्मी आल्सो, आई नो साक्षी राज आल्सो, आई नो पुलानी, आई नो अभिलाष हैज गॉन फ्रॉम हियर टू हियर इन माय सेशंस. सो डू नॉट इवन थिंक दैट कि मैम इज नॉट वॉचिंग यू, नेवर थिंक दैट. मैम अपनी नजर आपके ऊपर बनाए रखी हुई है, एंड आई नो what everyone is doing. So, सबसे पहले I want everyone of you to clap for Ujjwal, because in photosynthesis, Ujjwal has done such a good job. Yes. So, everyone clap for Ujjwal, and just like this, I'll be coming up with more new names, ठीक है? Yes. Okay. Now, next question, guys. Which of the following restriction enzyme produces blunt end? Sal-1, Eco-R5, Zo-1, Hin-3. Yes, very good बच्चा. दूसरों को अप्रिशिएट करना भी एक कला होती है जो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आती है. I'm really proud of you guys. Yes, what is the answer? It is Eco-R5. Absolutely. Blunt ends क्या होते हैं? मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम बताती हूँ जिन बच्चों को क्लियर नहीं है. Blunt ends are also called as flush ends. Blunt ends are also called as flush end. So even if NEET is trying to confuse you, आपके पास अब दोनों शब्द हैं, ठीक है? अगर this is my DNA, and if I cut this DNA straight like this, using restriction enzyme, such a end is called as blunt end. जबकि the second type of ends are sticky, overhanging, or staggering. These are the other name. Staggering ends.
दिस इज माई डीएनए एंड इफ यू कट दिस डीएनए ओब्लीक लाइक दिस दिस इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड, ठीक है, बिकॉज दे कीप ऑन ओवर हैंगिंग ऑन ईच अदर. सो प्लस 28 इज ऑन रिंकू. एब्सोल्यूटली रिंकू, वेरी गुड रिंकू, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? Transferable, single stranded, independent replication, circular structure. Yes. What is the answer, guys? Single stranded, are you convinced with single stranded? Are you convinced with transferable? What is your answer? Plus 28 pe kahani pahunch chuke, it's a time you will be scoring plus 32. Yes, guys. जंग है प्लस 32 की एंड ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज करेक्ट. सुपर गुड. नीट की तैयारी तुम्हारी बिल्कुल सुपर्ब चल रही है. द आंसर इज सिंगल स्ट्रैंडेड. सो लेट मी गिव यू द फुल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है. नाउ टुडे आई एम गिविंग यू द फुल डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मिड ऑल्सो. प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज डिफाइंड एज, प्लाज्मिड इज डिफाइंड एज एक्स्ट्रा सेलुलर. Extracellular means other than the chromosomal material, ठीक है, non-essential. What does non-essential means? Even if you take out the plasmid out from the cell, अगर आप cell से बाहर निकाल लोगे plasmid, तो cell मर नहीं जाएगा, वो जिएगा. So it is non-essential, ठीक है, yes. उसके बाद double stranded, circular, DNA. Without histone proteins. So histone proteins, सबको पता होगा, molecular basis में सबने पढ़ा है कि histone proteins are used for packaging. Histone protein is used for packaging. Right Mehak, right Harshit, Shivangi, Rupa, Aditya, Rinku, Sanam, Vaibhav, absolutely. Mudit, hi Murit, Mudit, Naruto, Gautami, Harshda, Kev. Rohan, yes, absolutely guys, very good, very good. Now next, which of the following is a restriction endonuclease? Inme se aisa kaun sa enzyme hai which will be considered as restriction endonuclease? Yes guys, tell me quick. See hint 3. Yes Abhilash, Abhilash ne to bilkul aise spam hi kar dala hamara chat box. Yes, the answer is hint 2. Hint 3 भी होता तो भी ठीक होता. Yes, बिल्कुल सही. So moving on to the previous slide, DNA is 1. What is this? DNA is 1. Okay. DNA is 1, the one which breaks DNA. Which breaks DNA. Right? It digests DNA. ठीक है? Then RNAs, which digest RNA. Digest RNA. Hint 2 is your restriction enzyme. Protease digest protein. Digest protein. Okay. अच्छा बेटा, अब आई एम थिंकिंग टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम दिस चैप्टर, बट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम. सो कैन आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम डाइजेशन ऑल्सो? हाँ बिल्कुल, मेंटी कराऊंगी तानिया, चिंता मत कर. अभी जो नई सीरीज आ रही है वो मेंटी पे ही आ रही है, तो बिल्कुल चिंता मत कर. यस Yes guys, tell me. मैं digestion से एक question पूछ लूँ, तुम्हारी आज्ञा हो तो पूछ लूँ. चलो पूछ लेती हूँ. ये जो DNAs होता है और जो RNAs होता है, these both enzymes come from intestine, pancreas, stomach, liver. Yes, write the answers in the chat box. जो DNAs और RNAs है, ये जो दोनों एंजाइम हैं, ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, स्टमक या लिवर? देख रहे हो कैसे कनेक्ट कर रही हूँ मैं चीज़ों को? कैन यू सी हाउ आई एम कनेक्टिंग? इट्स नॉट दैट कि हम ओनली यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग थिंग्स हियर. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट. अरविंद कुमार, बहुत लंबा नाम था. यस yes, बिल्कुल सही. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पैनक्रियास. The answer to this question is pancreas. तो जिन बच्चों ने ये सही आंसर दिया है, प्लीज प्लस 4 कर लो, प्लस 4 कर लो फटाफट से. यस, प्लस 4. और मैं बता देती हूँ बेटा, एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक टू रिमेंबर.
इससे रिलेटेड एक ट्रिक भी बता रही हूँ तुम्हें, सो दैट यू नेवर मेक सच मिस्टेक अगेन इन फ्यूचर. ठीक है, यू विल नेवर मेक सच मिस्टेक इन फ्यूचर. सो हियर इज अ ट्रिक. लिवर नेवर प्रोड्यूसेस एनी एंजाइम, नेवर प्रोड्यूसेस एनी एंजाइम. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपका ट्रिक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू एंजाइम तो इसको तो भूल जाना, इसको तो भूल जाना. ऐसे ना नीट के पेपर में ऐसे ऐसे कर देना, ये तो है ही नहीं. क्योंकि किसने बताया? जीजी मैम ने बताया. जीजी मैम पे हमें भरोसा रखना है कि लिवर का जो बाइल जूस होता है उसमें एक भी एंजाइम नहीं होता है. देयर इज नॉट अ सिंगल एंजाइम प्रेजेंट इन द बाइल जूस. यस, बिल्कुल सही. लो भाई प्रभात, साइड हो जाती हूं मैं. वो मुझसे कह रहा है मैम खिसको. यस खिसको. यस यस अवन, दैट इज अ पर्पस, दैट इज अ पर्पस व्हाई आई कीप ऑन कनेक्टिंग अदर चैप्टर्स ऑल्सो. क्योंकि नीट में ऐसा नहीं है सिर्फ बायोटेक आएगा, नीट में आपके सारे के सारे चैप्टर्स आएंगे. सो हेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू यू नो कनेक्ट थिंग्स. द मोर यू कनेक्ट द बेटर यू बिकम. हाय कोटा से भी बच्चे आए, उनको हाय कर देते हैं. यस वूहू डिस्को. यस बिल्कुल मेंटी भी होगा बच्चा. वंस आई एम डन विद द नीट स्प्रिंट सीरीज वी आर स्टार्टिंग विद मेंटी. यस बिल्कुल सही. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency? Yes, gene therapy, chemotherapy, immunotherapy, radiation therapy. Yes, guys. What's the answer? भाई आंसर पहले फ्लड हो चुका है. भाई स्कोर बताओ, स्कोर बताओ, स्कोर बताओ. आहा, स्कोर बताओ, स्कोर बताओ, स्कोर बताओ. बिल्कुल सही जवाब. प्लस 4 कर लो और जल्दी से मुझे अपना स्कोर बता दो. यस ओके. कल जो टॉपर थी भूमिका, विनोद, विनोद नाम से उसका अकाउंट है. इज शी हियर टुडे? शी हैज ड्रॉप्ड इट यस्टरडे. जीन थेरेपी इज द आंसर एंड ऑल दीज 3 थेरेपीज आर यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. किसके लिए यूज होती है तीनों? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं. ठीक है. यस ओके. व्हाट इज द स्कोर? प्रतिमा 44, रिंकू 44, प्रभात 44, मोनू 444, खुशी 44. यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस ओके. गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप plant where the incorporation gene is meant for biosynthesis of omega-3 vitamin A, vitamin B, vitamin C. What's the answer? B. ये तो सबको पता है. अब बेटा, अब GG ma'am question. Yes, now the GG ma'am question. I know you people have already given the right answer. B is the answer. And plus 4 कर लो फटाफट से. Plus 4 कर लो guys. प्लस 4 कर लो. नाउ जीजी मैम क्वेश्चन. यस इट्स अ जीजी मैम क्वेश्चन टाइम विच इज अगेन कनेक्टिंग विद द अदर चैप्टर. आई एम अगेन कनेक्टिंग विद अदर चैप्टर राइट. यस चलो देखो इधर. एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड फर्स्ट बायो मैग्निफिकेशन, सेकेंड बायो फोर्टिफिकेशन, थर्ड बायो रेमिडिएशन, फोर्थ बायोटेक. Yes, what's your answer? Write the answer in your chat. अच्छा मैं मुड़ी और answers तो पहले ही आने शुरू हो गए, यानी कि बच्चों ने वेट भी नहीं किया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने का. फोड़ दिया भाई, फोड़ दिया.
इट्स लाइक मचाएंगे. बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल तुमने मचा दिया यार, मचा दिया आज तुमने. कार्तिक मचा दिया, प्रगति मचा दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल मचा रहे हो यार आज तुम लोग. यार क्या जबरदस्त मचाया तुमने आज का सेशन. आई एम सो हैप्पी, आनंद. वी हैव डोलर्स, वी हैव बहुत सारे बच्चे, खुशबू गर्ग, सलोनी, सब ने मचा दिया यार, सब ने मचा दिया. यू नो दिस क्वेश्चन केम इन नीट एग्जाम, बट गाइस लेट मी टेल यू अदर्स ऑल्सो. ठीक है, यस. अब बाकी चीजें भी बता देती हूँ जिससे कि नीट में इस साल इससे सवाल आ गए तो तुम फिर से प्रिपेयर हो जाओ. ठीक है, यस, ओके. बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन आपको पता है सबसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज्यादा होता है. हाय वैष्णवी, ठीक है, यस. बायो मैग्निफिकेशन ये होता है डीडीटी के कारण. डीडीटी आपको पता है एक केमिकल है, यस, दैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन. ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है आपके लिए. बायो फोर्टिफिकेशन तो आपने आंसर दे ही दिया. बायो रिमेडिएशन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्स्ट्रा विच यू नीड टू नोट. ठीक है, आर यू रेडी टू नोट दिस पॉइंट, बायो रेमिडिएशन. देखो होता क्या है बच्चा, जब बड़े बड़े जहाज, देवांशी, जब बड़े बड़े जहाज पानी से गुजरते हैं, समुद्र की सतह से गुजरते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जहाज जब समुद्र की सतह पर होते हैं तो बहुत सारा कई बार पेट्रोल गिर जाता है. क्या गिर जाता है? पेट्रोल गिर जाता है. उस पेट्रोल के कारण ये देखो, ये समुद्र की सतह है, यहाँ पे पेट्रोल गिर गया, तो अब ये पेट्रोल ऑक्सीजन को नीचे जाने नहीं देगा पानी में, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ मर जाएगी, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ विल डाई. So to clear this oil spills, you use Pseudomonas putida. You use Pseudomonas putida. ये जो होता है इसको यूज किया जाता है इन ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए ओवर द सरफेस ऑफ द वॉटर. ठीक है, तो बायो रिमेडिएशन अगर क्वेश्चन आ गया नीट में तो उसका आंसर होगा Pseudomonas putida. ये ऑलरेडी पीएमटी 2006 का सवाल है. ठीक है, बट मैं फिर से बता रही हूं क्योंकि इस बार एम्स भी है तो हमारी तैयारी और 10% होनी चाहिए. ठीक है भाई, यस, तो बायो रेमिडिएशन उसे कहते हैं. ठीक है गाइस, सबने नोट किया, एवरीवन हैज नोटेड दिस. टेल मी योर स्कोर, स्कोर लिखो फटाफट से चैट बॉक्स में, आई वांट टू सी योर स्कोर. यस यस गाइस, स्कोर बताओ फटाफट से. रिंकू 52, एब्सोल्युटली 48 पे नीतू चल रही है, चार में 52 पे चल रही है. यस, बहुत सारे बच्चे जो 50 से ऊपर चल रहे हैं. आई एम सुपर डूपर हैप्पी अबाउट दिस, एब्सोल्युटली. नेक्स्ट, ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व एक्सपोजिंग द प्लांट्स टू कोल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, अलाउइंग द प्लांट रूट्स टू स्टैंड इन वाटर, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, ऑल्टरिंग द पीएच ऑफ द सॉइल, देन हीट शॉकिंग द प्लांट. व्हाट्स योर आंसर? आंसर तो देखो सब बच्चों ने सही दिया है, बट आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिससे कि आप बेटर तरीके से इसको समझें. ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको. आंसर बिल्कुल सही है तुम्हारा. चलो बेटा, आर मैम ना बिल्कुल एक्सप्लेन करेगी तुम्हें, बट कीप अ नोट ऑफ दिस. देखो, दिस इज योर बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस. इनसाइड द बैक्टीरिया यू हैव अ प्लाज्मिड, दिस इज कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड. व्हाट डू यू कॉल दिस? टीआई प्लाज्मिड. TI plasmid stands for tumor inducing plasmid. इस TI plasmid में ये वाला जो पूरा हिस्सा है, this is called as TDNA. This is called as TDNA. And this हिस्सा which I'm making from green, this is called as vir gene. इसे क्या कहते हैं? vir gene. vir gene. तो जो बच्चे हमारे वेदांतों पे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, यस. TDNA जो होता है इसे कहते हैं ट्रांसफर DNA. क्या कहते हैं? ट्रांसफर DNA. ये ट्रांसफर DNA जब प्लांट के जीनोम में जाके ऐड हो जाता है, जब प्लांट के जीनोम में जाके ऐड हो जाता है, सो दिस सिंथेसाइजेस ऑक्सिन. ये बनाता है ऑक्सिन, और इस ऑक्सिन के ज्यादा अमाउंट से हो जाता है क्राउन गॉल डिजीज, यानी कि ट्यूमर. ठीक है गाइस, ये है आपका TI प्लाज्मिड. टेक द स्क्रीनशॉट. द वेर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस. विरुलेंस, टेक द स्क्रीनशॉट.
हाय शोएब, शोएब कह रहा है कि आई एम न्यू हियर, वेरी गुड शोएब, आप हमारे साथ बने रहे शोएब, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत अमेजिंग चीजें पढ़ते हैं. यस वी डू हियर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एवरी डे इन द क्लास. यस प्रगति, आई डेफिनेटली टेल यू व्हाट इज सीडीएनए. सीडीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. नेक्स्ट, ओके, द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट और टॉलरेंट टू इंसेक्ट, हर्बिसाइड्स, फंजी और बैक्टीरिया. ये मैंने पूरा अपने बायोटेक के चैप्टर में आपको पढ़ाया था गाइस, पूरा आपको बायोटेक में मैंने इसका पूरा प्रोसेस बताया था कि जो एक ग्लाइफोसेट है ये एक तरह का केमिकल है जो यूज होता है एज मैं नहीं बता सकती भाई, क्वेश्चन चल रहा है. ठीक है भाई, मचाएंगे, मचा दो भाई. जिसने नहीं देखा बायोटेक प्लीज गो इनटू द प्लेलिस्ट, वहां मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया आपको डिटेल में. द आंसर इज हर्बिसाइड. यस इट किल्स योर हर्ब्स बट इट आल्सो प्रोटेक्ट्स योर मेन क्रॉप. यस सो व्हाट्स द स्कोर, कौन टॉप पे चल रहे, राइट इन द चैट बॉक्स. रिंकू +60. यस नेक्स्ट 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 क्विक 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 +56 पे महक चल रही, वेरी गुड महक. और सयू चल रही है 56 पे. यस अभिलाष इज एट 60, वेरी गुड. मतलब ऑलमोस्ट 60 क्रॉस हो चुका है आज हमारे सेशन में, अमेजिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ सीडीएनए एंड आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए. व्हाट्स योर आंसर? दो चीजों में बच्चे कंफ्यूज है, फर्स्ट और सेकंड में, राइट? मुझे कंफ्यूजन दिख रही है. यस बार बार बी आंसर जा रहा है. ऐसा क्या भाई, अब तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा. साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, तो यहां पे हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं. क्या बनाते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, बिल्कुल सही. सो +4 दे लो अपने आपको, गिव योर सेल्फ +4. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, यस द रिलेटिव proportions of purines and pyrimidines in DNA, the relative difference in the DNA occurrence in blood, skin and saliva, the relative amount of DNA in the ridges and grooves of the fingerprints, satellite DNA occurring as highly repeated short DNA segment. अब तो बी नहीं है आंसर, ये तो मैं बता देती हूँ पहले ही. अच्छा मैम, leukemia क्या होता है? leukemia बेटा एक तरह का blood cancer है. ठीक है, blood cancer जिसमें number of WBC बहुत बढ़ जाता है. Yes guys, what is your answer? अब डी आ रहा है, अब तो बी नहीं है. पुष्पेंदर है ना, सोवन, चेष्टा, मोहम्मद, मुदित, यस एब्सोल्युटली. प्रतिमा, द आंसर इज सैटेलाइट डीएनए, टैंडम रिपीट्स, VNTRs. उसको हम मैच करते हैं, उसके पैटर्न पे हम बताते हैं कि हमारा पप्पा कौन है, हमारी मम्मी कौन है, हमारा भैया कौन है, हमारी दीदी कौन है. ठीक है ना, क्योंकि हम तो हैं देसी. क्या है गाइज, हमें सख्त और देसी. भाई सख्त होना बहुत जरूरी है इस वक्त, क्या कहते हो तुम लोग, कौन कौन सख्त है भाई? बिल्कुल सख्त होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, है ना भाई? यस सख्त होना बेहद जरूरी है इस टाइम पे. इधर उधर नहीं, चाहे कोई कितना भी बुलाए 14 फेब को नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सख्त है ना. यस बहुत सही, मैं सख्त लौंडा हूं, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, बैसिलस थ्रुंजिएंसिस forms protein crystals which contain insecticidal protein. This protein binds with epithelial cells of midgut of the insect pest, ultimately killing it. Is coded by several genes including the gene CRY. Is activated by acid pH of the foregut. Do not kill the carrier bacterium which is itself resistant to this toxin. Yes. What is it? अब तो भाई B answer नहीं है, तो मैं फिर से बता रही हूँ, है ना? Maurya, Mr. Maurya. Yeah, the answer is binds with epithelial cells of midgut of the insect pest, ultimately killing it. So basically it dies because of starvation. Right guys? So bhai, score batao fatafat se. Tell me the scores. I'm waiting for the scores. Yes, Hyper YT. Hyper YouTube hai usko matlab. बेटा अब तुम तैयार रहो, मेंटी बहुत सारे आने वाले हैं, गर्मा मैम का सेशन रॉकिंग होने वाला है फिर से, क्योंकि पढ़ाई हमने बहुत कर ली, नाउ इट्स अ टाइम फॉर प्रैक्टिस. क्या कहते हो गाइस? यस
चलो भाई प्लस 72 पे नीतू चल रही है, वेरी गुड। चंदन है, देवांशी, ऑलमोस्ट एवरीवन इज रॉकिंग एट द सेशन टुडे। आई एम सो हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, सो रॉकिंग, यस सो रॉकिंग। एक बच्चा लिख रहा है मैम यू आर रॉकेट। अजी नहीं, हम पटाखा नॉट रॉकेट, पटाखा नॉट रॉकेट, है ना भाई। चलो सख्त रहने का बिल्कुल। And with this, we complete this awesome session on biotechnology. Let me tell you guys, yes, परसों के session, कल हम एक बहुत अच्छा नई चीज शुरू कर रहे हैं, you will get to know about that. और परसों we have the last neat sprint from GG ma'am, that is locomotion and movement पे, ठीक है? क्योंकि locomotion and movement नहीं हुआ एक बार भी channel पे, तो बस एक और sprint बचा हमारा, उसके बाद मचाएंगे। बहुत अच्छी series आ रही है, that is the 12th board revision series, जिसके अंदर हम मैं पर्सनली सारे चैप्टर्स लेने वाली हूँ, पूरी 12th बायो के। आई एम टेकिंग ऑल द चैप्टर्स ऑफ 12th बायो विद अमेजिंग ट्रिक्स फॉर यू पीपल, जस्ट ऑन योर डिमांड, राइट? सो गाइस, मिलते हैं फटाफट से। मेंटी होगा कल रात में 10:30 बजे, मेंटी होने ही वाला है कल। पता है गाइस, तुम्हें पता है 900 स्टूडेंट्स वर देयर इन द सेशन, लेट्स मेक इट 1800 tomorrow at 10:30, because we have come up with amazing question of one mark, theek hai? So let's make it 1800 tomorrow, right? Chalo, bye bye. Do not forget to join the telegram group. And guys, last but not the least, hamara pyar is channel mein basa hai. थोड़ा सा प्यार दिखाओ और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द बटन। सही बता रही हूँ, तुम्हारे लिए पूरे 12th की सीरीज ला रही हूँ मैं, तो जाने से पहले लाइक करो, शेयर करो हमारे चैनल के बारे में, जूनियर्स को बताओ, सीनियर्स को बताओ, और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, ठीक है? सो आई विल बी बैक विद मोर अमेजिंग सेशन फॉर यू पीपल। बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू सो मच, आई विल मिस यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।